जय गणेश जय देवा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर, गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय है। तो गणेश जी को मोदक बहुत ही अत्यंत प्रिय है और हर पूजा में उन्हें मोदक का भोग जो है अर्पित किया जाता है। इसके पीछे की पुराणों में क्या कथा दी गई है उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मोदक का जो स्वरूप है वो ज्ञान, मिठास और आनंद का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मोदकों को मोद और ज्ञान का भोजन माना गया है। अब सवाल ये उठता है, गणेश जी को मोदक इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे की कई कथाएं और मान्यता हैं, लेकिन उसमें से जो प्रमुख कथा है वो इस प्रकार है। एक बार देवताओं ने बुद्धिमता की प्रतीक्षा के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में ये तय किया गया, जो सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसमें उसको ये भोग लगाया जाएगा। सभी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। गणेश जी के भाई कार्तिकेय ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की, क्योंकि वे ही पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। तो गणेश जी की इस चतुराई और सूझबूझ से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें मोदक का भोग अर्पित किया, जिसे गणेश जी ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में स्वीकार किया। तभी से मोदक गणेश जी को प्रिय बन गए। इसके अलावा मोदक का गोल आकार भी पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है, जो गणेश जी की बुद्धिमता, ज्ञान और जीवन के हर पहलू में संतुलन को दर्शाता है। यही कारण है कि गणेश जी को मोदक इतने भाते हैं और पूजा के दौरान उन्हें अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय है। यह केवल एक मिठाई नहीं है, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमता और आनंद का प्रतीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी रोचक धार्मिक जानकारियां मिलती रहें। गणपति बाबा मौर्य।